नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल गुरुकुल। ये एवरेज का लेक्चर 3 है। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने आपको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर 2 में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जो मैंने सेकेंड लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे वो बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, और उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा इस लेक्चर में। क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अ प्लेयर स्कोर्ड 87 रन इन हिज 21st इनिंग एंड हेंस हिज एवरेज इंक्रीज बाई 2 रन्स, देन फाइंड हिज एवरेज बिफोर 21st इनिंग। तो इसको उसी तरीके से करेंगे जैसा हम पहले कर रहे थे। अब देखिए, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए 21st इनिंग में इसके चेंजेज आए हैं, तो हम पहले के 20 इनिंग का सोच लेते हैं। तो 20 इनिंग में हम क्या मान लेंगे, 20 इनिंग में हमारा एवरेज एक्स रहा होगा, क्योंकि हमें 20 इनिंग तक का तो एवरेज दिया नहीं है। फिर इसने क्या बोला कि एक और इनिंग इसमें ऐड हो गई, दैट इज वो हो गई उसकी 21st इनिंग, और 21st इनिंग में इसने कितने रन बनाए थे, इसने 87 रन लेके आए हैं। ठीक है, अब ये 87 रन की वजह से जो ये एवरेज था ना, ये कितना बढ़ जाता है, ये एवरेज बढ़ जाता है x से x प्लस 2 हो जाता है, मतलब दो एवरेज बढ़ जा रहा है। तो अब सोचने वाली बात यहां पे ये है कि ये जो दो एवरेज, ये जो चेंज आया है वो कितने लोगों का आया, क्या 20 लोगों का आया है? नहीं, 20 लोगों का नहीं आया है, क्योंकि एक बंदा तो इसमें कंसिडर हो रहा है ना बाद में। तो ये जो चेंज आया है वो 21 लोगों का आया है, तो 21 और 2 बढ़ रहा है, तो 21 गुणे 2, तो 21 गुणे 2 कितना हो गया, 42। तो कहने का मतलब ये जो 42 रन है, ये 42 रन और बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब मैंने पहले क्वेश्चन बताए थे तो मैं क्या बोलता था कि अगर कोई भी बंदा जा रहा है या आ रहा है, तो हम क्या करते थे कि ये जो जा रहा है या आ रहा है उसका जो हम एवरेज कंसीडर करते थे, या जितना वो लेके जा रहा है या जितना लेके आ रहा है, हम सेम, जैसे यहाँ पे अगर 18 रहता था तो मैं शुरू में क्या बोलता था कि मान लो वो भी 18 का रहा होगा, या जो आ रहा है वो भी 18 का रहा होगा। फिर हम यहाँ पे देखते थे कि आने या जाने में जो चेंज हो रहा है वो प्लस या माइनस का जो भी होता होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्लस या माइनस कर देते थे। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज आपको समझाई थी। तो अब आप ये सोचिए कि ये जो 42 रन का चेंज आया है, ये क्यों आया है, क्यों? क्योंकि ये 87 स्कोर किया है। तो कहने का मतलब ये जो 87 स्कोर किया, तो हमने शुरू में जैसे हम यहाँ पे मान लेते थे कि माना एवरेज बराबर है, तो ये 42 रन इसी में का तो एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं ये 42 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 7 में से 2 कितना आ जाएगा, 7 में से 2 5, 8 में से 4 कितना आ जाएगा, 4। तो ये 45 शुरू में एवरेज रहा होगा। तो ये देखिए पहले जैसा ही हो गया। कहने का मतलब ये अगर 45 था तो मैं क्या बोलता था कि जो आया होगा वो भी 45 का रहा होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, हम ये बोलते थे कि उसके आने से जो एवरेज में क्या होता था, 2 का चेंज हो जाता था, तो फिर हम वो चीज यहां पे ऐड कर देते थे। तो ऐड करने के बाद वो क्या बन जाती थी, 87 बन जाती थी। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे हमें पहले 87 दे दिया हुआ है, और हमें ये जो पहले क्या रहा होगा वो चीज हमें पता करनी थी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 45। तो कहने का मतलब कि 20 इनिंग तक उसका एवरेज कितना था, 20 इनिंग तक उसका एवरेज था 45 रन का था। वापस से अब देखिए, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन भी है। एवरेज ऑफ 42 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 30 रन, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 इनिंग आर एक्सक्लूडेड देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग 40 इनिंग इज 28 रन। If the difference between maximum and minimum inning is 100, find the maximum and minimum run scored by him. ये देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, ये CGL से पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं वापस से जो मेरा कॉन्सेप्ट था मैं उसी से करूँगा। हालांकि कन्वेंशनल मेथड आपके पास है अवेलेबल, अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन ये मेथड अगर आप एक बार प्रो हो जाओगे इसमें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो। अब देखिए, सीधा सीधा सा हिसाब है, बोल रहा है 42 रन था, 42 इनिंग खेला है उसने। ठीक है, तो सीधा सीधा मैंने ये बड़ा सा यहाँ पे गोला बना दिया, और मैंने अपने समझने के लिए सोच लिया कि ठीक है 42 इनिंग्स था, 42 इनिंग
एवरेज ऑफ 42 इनिंग ऑफ अ बैट्समैन इज 30 रन, ठीक है। तो 42 इनिंग का एवरेज इसका कितना था, 30 था, ओके। फिर बोल रहा है इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, तो इसमें से कितनी इनिंग बाहर चली गई, दो इनिंग बाहर चली गई। तो दो इनिंग बाहर चली गई तो मैं क्या मानूंगा शुरू में, कि जो दोनों इनिंग बाहर गई हैं या जो दो इनिंग हम एक्सक्लूड कर दिए हैं, दोनों में उसने 30-30 रन ही बनाया होगा, ये मैं सपोज कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। 30-30 रन ही उसने बनाया होगा दोनों में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग 40 इनिंग्स इज 28 रन। तो कहने का मतलब जब इसमें से दो इनिंग निकल जा रही है तब 40 इनिंग बच रही है, और ये 40 इनिंग का एवरेज कितना हो जा रहा है, 28 हो जा रहा है। तो 28 हो जा रहा है, पहले कितना था, पहले 30 था, 30 से कितना हो गया, 28 हो गया। कितना कम हुआ, दो कम हो गया, और दो कितने लोगों का कम हुआ, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं जा रहा हूं। दो कितने लोगों का कम हुआ, 42 का हुआ, नहीं, बचे कितने, 40। ये 40 लोगों का एवरेज दो कम हुआ, मतलब कितना, टोटल 80 जो रन था वो कम हो गया है। और ये 80 रन कम किन की वजह से हुआ, ये 80 रन कम इनकी वजह से हुआ है। तो क्या ये सही है कि सिर्फ 30-30 इनका रहा होगा, नहीं, ये 30+30 से ज्यादा लेके जा रहे थे, इसकी वजह से ये बचे 40 लोगों का एवरेज कम हो गया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 80 था वो भी ऐड कर देंगे। अब देखिए कितना हो गया, 30-30 60 60 80 कितना होता है, 60 80 140 होता है। तो कहने का मतलब ये जो दो इनिंग था, ये दो इनिंग का स्कोर कितना रहा होगा, ये दो इनिंग का स्कोर रहा होगा 140। अब उसके बाद देखिए अगला पार्ट इसने क्या दिया क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इनिंग इज 100, डिफरेंस बिटवीन रन्स होगा वहां पे, डिफरेंस बिटवीन रन्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इनिंग इज 100। तो अब 100 का डिफरेंस, अब आपको इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 100। अगर मैं इसको 10 और 130 करता हूं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, नहीं है। अगर मैं ये 20 सोचूं और ये 120 सोचूं तो 140 तो टोटल हो गया, और डिफरेंस कितना आ गया, 100 का आ गया ना डिफरेंस, डिफरेंस 100 का आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अब देखिए उसने क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम, मिनिमम रन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब सोचिए ये कितना आसान अप्रोच है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से अप्रोच करने पे मजबूर करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ भी नहीं था। और यही आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लिटरली आपको हाफ पेज लगेगा, और हाफ पेज करने में आई डोंट थिंक कि एक मिनट के अंदर वो क्वेश्चन हो पाएगा। अब सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हम करेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ ए बी सी, मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे, तीन लोग हैं, इज 84 केजी, इफ डी इज इंक्लूडेड देन एवरेज बिकम 80 केजी, मतलब एक और बंदा डी आ गया तो एवरेज कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा इन सबका। इफ अ पर्सन ई हुज वेट इज 3 केजी मोर देन डी रिप्लेस ए देन एवरेज ऑफ बी सी डी ई बिकम 79 केजी, फाइंड द वेट ऑफ ए, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन देखिए आसानी से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए वापस से वही अप्रोच है, ए था, बी था, सी था, तीन लोग थे, इनका एवरेज कितना था, 84 था, ओके। उसके बाद में बोल रहा है कि एक जो बंदा था डी वो शामिल हो गया, और जब शामिल होने से क्या हुआ, देखिए अब शामिल हो रहा है मतलब आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि हम शुरू में वही कंसिडर करेंगे, 84 शुरू में एवरेज था, तो हम क्या बोलेंगे जो शामिल हुआ वो भी 84 था, हमारा फर्स्ट अप्रोच यही होगा कि जो यहां था एज इट इज हम मान लेंगे। लेकिन अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब डी शामिल होता है, डी इंक्लूडेड देन एवरेज बिकम 80 केजी, अब एवरेज कितना हो जा रहा है, एवरेज कम हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एवरेज कम हो रहा है तो ये जो बंदा आया था ये क्या 84 लेके आया होगा, अरे बाबा 84 लाया होता तो 84 ही होता था, ठीक है। लेकिन अगर ये 84 से ज्यादा लाता था अपने साथ कुछ, तब तो एवरेज बढ़ना चाहिए था, और ये एवरेज कम हो रहा है, मतलब ये जो नंबर 84 हमने एज्यूम किया था ये 84 ना हो के उससे कुछ ना कुछ कम होगा, कितना कम होगा। अब यहां पे देखिए वापस से देखेंगे क्या बोल रहा है कि 84 से जब डी अंदर आ जाता है, डी आ जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। 80 मतलब कितना कम हो गया एवरेज, 4 कम हो गया, 4 कितने लोग का कम हो गया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या 3 लोगों का 4 कम हो गया, नहीं, ये भी तो आ गया है, इन चारों का एवरेज था ये 80, तो ये 4 लोगों का एवरेज क्या हुआ, 4 कम हो गया। तो टोटल कितना कम हो गया, 4 गुणे 4 कम हो गया, मतलब टोटल 16 कम हो गया। अब ये 16 कम कहां था, ये
ये 84 रहा होगा क्या? नहीं, ये 16 कम लाया था, तो इसमें से 16 सब्ट्रैक कर देंगे, तो 16 सब्ट्रैक कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84 70 68 हो जाएगा ये, तो कितना आ गया? 68 68। ये किसकी एज हो गई? ये डी की एज हो गई, डी की एज आ गई 68 आ गई। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, इफ अ पर्सन ई whose weight is 3 kg more than D, तो अब इसमें अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये E हो जाएगा। अब E कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 71। ओके, नाउ रिप्लेस A, देन एवरेज 3 kg मोर देन D, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, वापस इसी स्टेटमेंट को मैं वापस से पढ़ूंगा। बोल रहा है इफ अ पर्सन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी रिप्लेस ए, तो अब देखिए ये जो हमारा ग्रुप था ये किसका बन चुका था? ये ए बी सी डी का बन चुका था, और इनका एज कितना था? इनका एज 80 था, ठीक है। इतना ये यहां से हमारा आ गया था यहां से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से ए जो है ये निकल जाता है और ए की जगह पे ई आ जाता है, ए की जगह पे क्या आ जाता है? ई आ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एवरेज है वो कितना हो जाता है? 79 हो जाता है। एवरेज क्या हो जाता है? 79 हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें ए का वेट पता करना है। अब वापस से सोचिए, मैंने क्या बोला था, जब कोई भी बंदा बाहर जाएगा और उसकी जगह कोई भी बंदा अंदर आएगा तो हम लोग क्या बोलते थे? शुरू में 80 है, तो मैं क्या बोलता हूं कि जब ये अंदर आ रहा है और ये जो बाहर जा रहा है वो अगर इक्वल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ई का तो हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, ई अगर 71 है और ए अगर 71 ही रह जाता था बाहर जाते समय तो कोई प्रॉब्लम होता था? तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, तब एज कितनी रहती थी? 80 ही रहती थी। लेकिन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 80 ना होके एवरेज एज क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, 79 हो जा रही है, ठीक है। मतलब एक रिड्यूज हो जा रही है। तो ये जो एक रिड्यूज हो रही है, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए क्या करना है, ये तो हमारा करेक्ट है, ये जो रिड्यूज हो रही है किसकी वजह से हो रही है? ये जो बाहर जा रहा है बंदा, ये कुछ ना कुछ अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो जाके एज रिड्यूज हो जा रही है। आप समझ रहे हैं ना? तो एक्स्ट्रा कितना लेके जा रहा है? अब देखिए 79 हो रही है, मतलब एक कम हो रही है। कितने लोगों की कम हो रही है? अब देखिए ए तो निकल जा रहा है, 1 2 3 और ई भी तो अंदर आया है, तो टोटल 4 लोगों की 1 साल कम हो रही है। मतलब टोटल 4 साल एवरेज, 4 साल एज कम हो रही है। तो 4 साल एज कम हो रही है, मतलब ये 4 साल लेके कौन जा रहा है? ये 4 साल ए लेके जा रहा है। तो ए का हमने कंसिडर किया था 71 में हम 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75। तो ए की एज क्या हो जाएगी? ए की एज हो जाएगी 75। आप इसको कन्वेंशनल मेथड से भी करके देखिए, अगर आपको वो अप्रोच सही लग रहा है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4 टाइम्स है। तो ऐसे करके यहाँ पे 5, 5, 5, 5 टाइम्स, 6, 6 अप टू कहाँ तक आ रहा है? ये 9, 9 टाइम्स है। तो कहने का मतलब देखिए, इनका हमें एवरेज पता करना है, और एवरेज के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता था एवरेज का बेसिक फार्मूला, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो अगर उसके थ्रू ये करने जाएंगे तब तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए 1 दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है? 2 को 2 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब 2 स्क्वायर दिया हुआ है। फिर 3 को 3 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब 3 स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर कि नहीं? 3 का स्क्वायर दिया हुआ, ऐड करके देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 9। फिर 4 को 4 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब 4, 4, 4, 4 इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 16, मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये ऐसे करके ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और हमें क्या करना है? हमें इसका ये एवरेज फाइंड करना है। तो अब देखिए ये बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन था, हमें पता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एवरेज, एक फॉर्मूला बताया था कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर, ये क्या था? ये हम लोग ऐसे कुछ करते थे, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1
डिवाइड बाई 6 और एवरेज पूछा था तो एन से डिवाइड कर देते थे, तो ऐसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था, एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 9 है, तो ये 9+1 और 2n, 9 दोनी 18, 1 19 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करोगे आप, 9 1 10 हो जाएगा, 10 × 19 डिवाइड बाई 6, कुछ कैंसिल होगा, 2 5 10, 2 3 6, तो 19 5 95, 95 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा एवरेज। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में।